आरसीपी हाल पार्टी बनाया था, आसमान टूट गया। जब भारतीय जनता पार्टी का जब बेबी प्रोजेक्ट लॉन्च हो सकता है, बजारू शिखंडी लॉन्च हो सकता है, ये तो केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी पार्टी के रह चुके हैं सत्ताधारी दल के। जनता दल यू को उन्होंने आसमान तक पहुंचाया, जमीन से कौन? इन लोग का योगदान है कि आरसीपी सिन्हा जी का योगदान था। भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हैं उनसे पूछे नहीं कि फर्जी पंखा का बिल बना करके कहाँ तक पहुँच गया। बच्चों को समोसा खिलाते थे और फर्जी पंखा का बिल बनाते थे, सब बताया है कि नहीं बताया है? इंडिया गठबंधन के नेताओं का लिस्ट जारी करने से कोई रोका है क्या? भारतीय जनता पार्टी का तो लिस्ट पहले ही से जारी है, बोचा थाना में जाकर के देख ले जारी है कि नहीं जारी है, कौन अवैध शराब का कारोबारी कर रहा है, किससे रिश्ता था, किस पार्टी का है, अटल पथ पर कौन पकड़े गए थे। दिलीप जसवाल जी अपने जिस पद को धारण किए हैं, पद का गरिमा बनाए रखें। ये सब बंदर घिड़की अलग दिखाइएगा, ये बिहार है, ऐसा मत करिए, ऐसा ऐसा लपेटा मत लगाइए कि पूरा घर ही आपका जल जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ है संजीव सिंह। कि बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने शराबबंदी को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द इंडियन अलायंस गठबंधन के 6-7 नेताओं का नाम जो है लिस्ट जो है वो जारी होगा, हो सकता है वीडियो भी जारी किया जाएगा विभाग की तरफ से कि कौन कौन शराब पीते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी से मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जी हैं। शराबबंदी को लेकर बयानबाजी चल रहा है और कह रहे हैं अब लिस्ट जारी होगा। कौन बोल रहा है? दिलीप जायसवाल। ये कौन है? प्रदेश अध्यक्ष। अच्छा, ये भाजपा वाले जी। तो भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हैं उनसे पूछे नहीं कि फर्जी पंखा का बिल बना करके कहाँ तक पहुँच गया। बच्चों को समोसा खिलाते थे और फर्जी पंखा का बिल बनाते थे, सब बताया है कि नहीं बताया है? इंडिया गठबंधन के नेताओं का लिस्ट जारी करने से कोई रोका है क्या? भारतीय जनता पार्टी का तो लिस्ट पहले ही से जारी है, बोचा थाना में जाकर के देख ले जारी है कि नहीं जारी है, कौन अवैध शराब का कारोबारी कर रहा है, किससे रिश्ता था, किस पार्टी का है, अटल पथ पर कौन पकड़े गए थे उस हालात में, किस पार्टी के विधायक थे, एमएलसी थे, ये सब नहीं पूछे क्या आप लोग? कहते बयान और ये नहीं पूछे आप, ये नहीं पूछे कि आप जो है जिसने आपको पाला पोसा रखा उसका सब कुछ हड़प करके यहाँ तक पहुँचे, बताए नहीं क्या? कभी बिलो द बेल्ट पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। दिलीप जसवाल जी से को अपने जिस पद को धारण किए हैं, पद का गरिमा बनाए रखें। ये सब बंदर घिड़की अलग दिखाइएगा, ये बिहार है, ऐसा मत करिए, ऐसा ऐसा लपेटा मत लगाइए कि पूरा घर ही आपका जल जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की बैठक भी है। अब खबर आ रही है कि जेपी नड्डा जो है वो बिहार दौरे पर आने वाले हैं। अरे नड्डा जी, तो नड्डा तो पढ़वे किए हैं, बिहार में आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? तैयारी कर रहे चुनौती। अरे भाई, तो ही पढ़ा लिखा इंसान है ना भाई, वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, केंद्रीय मंत्री है, भाजपा के बात अलग है, पढ़े लिखे तो पटने में ना है, जिनके आने से कौन आसमान टूट रहा है क्या? भारतीय जनता पार्टी इतना आज़ादी के बाद इतना दिन संघर्ष किया, अपने पैरों पर खड़ा हुआ बिहार में, अचेत नायक को लेकर करके अपने बहादुर जंग बहादुर सिंह बन रहे हैं। ये विधानसभा का चुनाव नज़दीक है, ऐसे में नई नई पार्टियां बह रही है, आरसीपी सिंह भी नई पार्टी गठन, आरसीपी पार्टी बनाया था, आसमान टूट गया। जब भारतीय जनता पार्टी का जब बेबी प्रोजेक्ट लॉन्च हो सकता है, बजारू शिखंडी लॉन्च हो सकता है, ये तो केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी पार्टी के रह चुके हैं सत्ताधारी दल के, इसको नुकसान हो सकता है क्या? अरे भाई, आरसीपी सिन्हा जैसे लोग जो प्रबुद्ध हैं, पढ़े लिखे हैं इंसान, रिटायर है, नहीं रिटायर नहीं है वो, उस शिक्षा से सेवानिवृत्त ले लिया है उन्होंने, उनके अंदर जनता दल यू को उन्होंने आसमान तक पहुँचाया, जमीन से कौन? इन लोग का योगदान है कि आरसीपी सिन्हा जी का योगदान था। आरसीपी सिंह अगर पार्टी बना रहे हैं तो इसमें आपत्ति किस बात की होनी चाहिए? डेमोक्रेसी है, सबको अधिकार है, किसी पार्टी को राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, इसलिए उनके निर्णय पर कोई राजनीतिक टिप्पणियां नहीं हो सकती है। 4 सीटों पर उपचुनाव अपना अपने पापों का दंश हर कोई भुगता है, एक बात याद रखिएगा। मैंने कहा था 2020 के चुनाव के बाद, जिन लोगों ने मुझे जबरन हराया था 12 वोट से, हम उसी दिन कहा था माता बंगलामुखी का साक्षी मान कर करके, कि जिन लोगों ने ये पाप किया है 2025 आते आते उनको अपने पापों का हिसाब जनता के बीच में देना होगा, दे ही रहे लोग। 4 सीट पर चुनाव भी हो रहे हैं, क्या इसमें भी हिसाब होगा? 4 सीट अब उपचुनाव में, इतरारी और रामगढ़ और बेलागंज और इमामगंज में, ये सब हम लोग जीत रहे हैं, कहाँ कोई टक्कर में है भाई? मांझी की बहू है, पूछ रहा है ये सब?
हो गया। एक आखिरी सवाल रहेगा, शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने वाली है नवंबर में ही, कितने तैयार हैं? अच्छा, शीतकालीन सत्र तैयार होगा तक सवाल किससे पूछिएगा? आप लोग कितने तैयार हैं? आपके नेता रहेंगे? ये सवाल पूछेगा विधानसभा में? आपके नेता जीतन राम मांझी ने सवाल पूछा, तुम तलाका कर दिए। बात हो रही थी रांची की, बात करने लगे कराची की, युवा युवती की बात कर दिए सदन में। प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि हम शर्म से शर्मसार हो रहे हैं, युवा युवती युवतियों को नसीहत दे दिए मुख्यमंत्री जी। देखे कि नहीं बाहर भीतरे? अरे बाहर भीतरे देखे कि नहीं गिल्ला गिल्ला? तो देखिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे आरजेडी से मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जी, ने तमाम सवाल के क्या कुछ करे थे, तमाम सवाल का जवाब देते हुए आप भी सुन रहे थे। आप अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।